के पास इंसान का साँचा घटा, जुड़वा आइडेंटिकल ट्विंस और डॉपरगेंगर की बात, डीएनए भी समान। नमस्कार, मैं मीरा पांडे और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। बॉलीवुड के एवरग्रीन यंग मैन अनिल कपूर को उनका हमसफर मिला। वह कोई इंडियन नहीं बल्कि एक अमेरिकी बॉडी बिल्डर। जॉन एफर नाम के इस बॉडी बिल्डर ने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर अपनी एक फोटो अपलोड की। देखते ही देखते यह फोटो भारत में वायरल होने लगी। फोटो देख लोग इस सोच में पड़ गए कि अनिल कपूर ने रातों रात ऐसी बॉडी कैसे बना ली। ये अनिल कपूर नहीं बल्कि उनके हम सकल जॉन एफर थे। लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था कि भला दो अलग अलग देश, नस्ल और प्रोफेशन के इंसान में इतनी समानता कैसे हो सकती है, वो भी तब जब दोनों की उम्र में 40 साल का फासला। जरा सोच कर देखिए, बिल्कुल आपके जैसा दिखने वाला कोई शख्स अमेरिका में बैठा कॉफी पी रहा, बिल्कुल उतनी ही चम्मच चीनी वाली जितनी आप पसंद करते हैं। आप उस शख्स से कभी मिले नहीं, ना ही वो आपका कोई रिश्तेदार है, लेकिन रूप रंग वजन में वह बिल्कुल आपकी तरह होगा और तो और उसकी आदतें भी आपसे मिलती होंगी। अब अनिल कपूर के हमसकल जॉन को ही ले लीजिए, उनको हॉलीवुड से ज्यादा बॉलीवुड की फिल्में अच्छी लगती हैं और अनिल कपूर उनके पसंदीदा एक्टर हैं। आपकी तरह दिखने वाले एक से अधिक इंसान दुनिया के अलग अलग कोनों में मौजूद हो सकते हैं। अभी कुछ महीने पहले ही एक फोटोग्राफर के सर्वे ने साइंस को दुनिया में खलबली मचा दी। कैनेडियन फोटोग्राफर फ्रांसवा ब्रूनोले ने 1999 से एक जैसे दिखने वाले अनजान लोगों की फोटोग्राफी कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने दुनिया भर की खाक छानी। फ्रांसवा ब्रूनल ने जिन हमसकलों की तस्वीरें उतारी थी, स्पेन के जोसेफ करेरास ल्यूकेमिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने उन पर रिसर्च की। शोध के बाद रिसर्च के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। इसके नतीजे में पाया गया कि एक जैसे दिखने वाले लोग व्यवहार और डीएनए सिक्विक्सिंग में काफी हद तक एक दूसरे के समान थे। यह सर्च सेल रिपोर्ट्स जर्नल में पब्लिश हुई है। इस रिसर्च में वैज्ञानिकों ने दुनिया भर के एक जैसे दिखने वाले 16 जोड़ों का एनालिसिस किया। अनजान लेकिन दिखने में बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले लोगों को डॉपरगेंगर कहा गया। कार्बन कॉपी और डॉपरगेंगर दिखने में एक जैसे होते हैं, उनके व्यवहार भी एक जैसे होते हैं, लेकिन उनमें कोई खून का रिश्ता नहीं होता। दो डॉपरगेंगर दुनिया के दो कोनों में पाए जा सकते हैं। हालिया मामले में रिसर्च करने वालों में इन्हीं डॉपरगेंगर पर नई खोज की। अभी तक हम यह मान कर चलते हैं कि प्रकृति ने हर इंसान को एक खास खूबी से नवाजा जो केवल उसी में पाई जाती है। उसका फिंगरप्रिंट, उसकी आंखें भी अलग होती। इंसानी सभ्यता की शुरुआत से लेकर अब तक ऐसी ही सोच रही, लेकिन मौजूदा समय में जब दुनिया की आबादी 700 करोड़ को पार कर गई है, इंसान एक दूसरे जैसे होने लगे हैं। कई जानकारों ने यह सोचा कि क्या अब प्रकृति के पास इंसानों के नए डीएनए नहीं रहे, जिसके चलते दो या उससे अधिक इंसान एक जैसे होने लगे। इसका मतलब यह भी निकाला गया कि कुदरत के पास अब इंसानों के ज्यादा मॉडल नहीं बचे, जिसके चलते एक जैसे कई इंसान जन्म ले रहे हैं। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी कॉस्ट्यूम डिजाइनर के पास नए डिजाइन आइडिया नहीं बचते, जिसकी वजह से वह हमें पुराने डिजाइनों को रिपीट कर देते।